हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप शॉपिंग करते होंगे। ठीक है, क्या है पे लेटर? ठीक है, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पे लेटर से आप फ्लिपकार्ट से आप ऑनलाइन सामान ले सकते हैं। पैसा आप उसको एक महीना बाद दीजिएगा। क्या उसका लेट फाइन होता है? ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर है, सारा इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र में फ़्लिपकार्ट को ओपन कर लिया हूँ, आज मैं बताऊँगा कि फ़्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। पे लेटर मतलब पैसा दो, पे मतलब पैसा दो, लेटर मतलब बाद में, मतलब कि पैसा दो बाद में। ठीक है, आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी शॉपिंग करेंगे तो एक महीना बाद इसको आप पैसा देंगे। ठीक है, यही बात आज मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, फ्लिपकार्ट जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, अगर आपके पास एको पैसा नहीं है और आप अगर चाहते हैं कि किस्त में मोबाइल लें और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो वो भी सुविधा देता है पे लेटर से। ठीक है, हम लाइव आपको एक मोबाइल ऑर्डर करके दिखाएंगे। ठीक है, ऑर्डर हो भी जाएगा, वो डिलीवरी भी हो जाएगा, आप उसको महीना महीना मतलब कि आप पैसा दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको फ्लिपकार्ट ने क्रेडिट कितना दिया है। पे लेटर को साइड से एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं तो अपना पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर डाल के एक्टिवेट कर लें, तभी आप पे लेटर से उधार सामान मंगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे आना है, आपको कॉर्नर में सिंबल दिख रहा होगा आदमी छाप का। ठीक है, वहाँ पे आपको टच करके आपको अकाउंट लॉगिन कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। याद रखें, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो आधार लिंक से होना चाहिए, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक से लिंक होना चाहिए, तभी आपका पे लेटर एक्टिवेट होगा, अदरवाइज आपका एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं वहाँ पर टच कर लेता हूँ, ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या क्या फंक्शन खुलता है। ठीक है, कितना तक लिमिट आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ओपन कर लेने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे लेटर का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर, आपको यहाँ पे टच कर लेना है और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं जब फर्स्ट इसको एक्टिवेट किया था, मेरा लिमिट था 2000। ठीक है, हाँ, तो अभी लाइव देख सकते हैं, अभी हमारा अकाउंट से योर फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड, हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कल ही हमने इसको ओपन किया था तो अकाउंट ब्लॉक नहीं था। ठीक है, अभी जब हम इसको ओपन किए तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, और ये उस समय 4500 का बिल था, लेकिन अभी ये 4800 का ये बिल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आज पे कर देंगे। ठीक है, और पे कर देंगे, और ये यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो 319 रुपया है वो क्या है, लेट फी है। ठीक है, मतलब कि 4500 तक का था, लेकिन अभी 319 रुपया जो है ये हमारा लेट फी है, ये हमारा फ़ाइन बढ़ गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, अभी हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। और नीचे जो 167 रुपया दिख रहा है ये अक्टूबर 2023 का है, आज का डेट भी मैं दिखा देता हूँ। आज 11 अक्टूबर है, आज हमने अक्टूबर महीना में 167 रुपये का जो मोबाइल रिचार्ज कराया था उसका ये बिल जनरेट होके आया है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो 319 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ये हमसे ले रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमने 4818 रुपये उसको पे कर दिया, जबकि इसमें 4500 का बिल था और 300 एक्स्ट्रा रुपया फाइन लिया। 5 तारीख को पे करना था और हमने इसको पे किया था 12 तारीख को, मतलब कि सात दिन का मतलब कि ठीक है, 7 दिन लेट किए तो 300 रुपये एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ा, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, हमने पेमेंट कर दिया है, अब फिर से हम पे लेटर फ्लिपकार्ट पे लेटर को ओपन करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं क्या जो ब्लॉक कर दिया था हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर वो ब्लॉक ही है या मतलब कि ब्लॉक से हटा दिया गया है। जहाँ तक हमको लगता है हटा दिया गया होगा। देख लीजिए, फ्लिपकार्ट पे लेटर हमारा जो अकाउंट ब्लॉक था वो हटा दिया गया है, और हमारे सामने अभी जो ऑप्शन दिख रहा है इस सारा मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। जो 10000 दिख रहा है आपको, ठीक है,
ये जो 10,000 दिख रहा है ये पे लेटर है, मतलब कि हम तुरंत जैसे 10,000 का सामान जैसे हम कुछ ख़रीदेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। अभी हम आपको लाइव ऑर्डर करके भी दिखाएंगे और उसको पैसा हम 1 महीना बाद भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। जब 1 महीना बाद नहीं देंगे तो, जब 1 महीना बाद नहीं देंगे तो ये हमारे साथ मतलब कि पेनाल्टी चार्ज जोड़ेगा, कमीशन जोड़ेगा, इंटरेस्ट जोड़ेगा। ये 10,000 का मतलब आप समझ गए। और ये जो आप देख रहे हैं 67,781 67,761 रुपया, ये हमारा ईएमआई का क्रेडिट है, मतलब कि ये बैलेंस से हम ईएमआई का मतलब कि सामान खरीद सकते हैं। जैसे 60,000 का हम सामान खरीद लिए, जैसे एप्पल का मोबाइल 60,000 में ख़रीद लिए और उसको महीना महीना मतलब कि ईएमआई में हम देते रहेंगे। तो हम आपको दोनों इस वीडियो में करके दिखाएंगे, पे लेटर में पे करके भी दिखाएंगे सामान खरीद के, और ईएमआई वाला भी ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने आखिर क्या क्या सामान ख़रीदा था, कि 4,500 रुपये बिल हो गया था मेरा, और जिसके वजह से हमने उसको लेट किया उसको पेमेंट करने में, तो हमारा पेनल्टी चार्ज 300 रुपये काटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बैंक पे आ जाना है और ऊपर में आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है ऑर्डर, ऑर्डर पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा जितना भी ऑर्डर था वो सब कर सक वो सब यहाँ पे दिखा देगा। यार एक ख़ास बात है कि इससे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर जो वॉलेट था उससे आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने 149 रुपये का जियो का मोबाइल रिचार्ज कराया था, अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर अमाउंट से मोबाइल रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने 6 अक्टूबर को रिचार्ज किया था और इसको 5 दिन बाद इसका बिल पे किया, देख सकते हैं आप। ऑयल मंगाए थे, ठीक है, ऑयल मंगाए थे और बल्ब मंगाए थे और बच्चा का खिलौना मंगाए थे, बट का ये मंगाए थे और ये जो नीचे पोको C51 वो मोबाइल मंगाए थे। तो यही सब का सामान हो करके ये जो जो मोबाइल देख रहे आप, इसी का मतलब कि ईएमआई, इसी को ईएमआई में मंगाए थे, जिसको सही टाइम पे ना करने का 300 रुपये पेनाल्टी चार्ज काटा था फ्लिपकार्ट वालों ने। अब हम आपको लाइव हम ऑर्डर करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप बाय कर सकते हैं। पे लेटर ईएमआई दूसरा चीज़ है, पे लेटर दूसरा चीज़ है। पे लेटर में आप डायरेक्ट ख़रीदेंगे वो अगला महीना डायरेक्ट सारा का सारा पैसा देना होगा। जैसे 8,000 का ख़रीदें तो 8,000 अगला महीना पैसा देना होगा। अगर पे लेटर ईएमआई के थ्रू ख़रीदेंगे तो आपको ईएमआई करके थोड़ा थोड़ा करके देना होगा। तो जैसा कि मैं कोई फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये फ़ोन हमको आ गया पसंद, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको हम ख़रीदेंगे, ठीक है। चलिए इसी को ख़रीद के हम दिखाते हैं आपको ईएमआई के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक कर लेना है, बाय पे क्लिक कर लेने के बाद आपको आपको आगे बढ़ना है। अगर फ्लिपकार्ट का पे लेटर अकाउंट आप एक्टिवेट नहीं किए तो एक्टिवेट कर लें। देखिए हमारा एड्रेस सामने दिख रहा है, ठीक है, एड्रेस सामने दिख रहा है एड्रेस, और हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप कैसे ख़रीदना चाहते हैं, पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई, ठीक है। तो चलिए हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि 1 महीना में हमारे कितना मतलब कि पैसा देना होगा, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसीजर बता देगा अभी हमारे सामने, तो हम उसमें क्लिक कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई में। अब सेलेक्ट ईएमआई प्लान पे क्लिक करते हैं, ठीक है, कि ये हमको सारा कैलकुलेट करके बताएगा कि 1 महीना में कितना आपको पैसा देना है। जैसे 12,500 का है फ़ोन, नीचे एक ऑप्शन और है पे 10,000 बाय 5 नवंबर, यानी कि 10,000 अगर आप पे करेंगे और बाकी पैसा बाद में देंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। जो आपके वॉलेट में था 10,000 पे लीटर का वॉलेट, ठीक है, तो हम ईएमआई प्लान में सेलेक्ट करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है,
सारा EMI ऑप्शन का यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे 3 मंथ का प्लान लेंगे तो आपको पैसा कटेगा 4,180 रुपये करके देना होगा। 6 महीना तक में अगर आप EMI कराएंगे तो 2,090 रुपये तक में तक आपको पर मंथ देना होगा। अब 9 मंथ का EMI कराएंगे तो 1,537 रुपये करके देना होगा, और इसमें बता रहे हैं कि 24% इंटरेस्ट देना होगा पर एनम, यानी कि 1 साल में। और अगर आप 1 साल का कराएंगे तो 1,186 रुपये आपको देना होगा, इसमें भी 24% पर इंटरेस्ट के साथ। तो 24% इंटरेस्ट जोड़ के आपका फ़ोन हो जाएगा 14,229 रुपये का। और अगर आप 3 महीने 6 महीना तक में कराते हैं तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन EMI अगर लेट से पे करेंगे, जैसे 5-6 दिन लेट से पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पीछे कि हमें EMI पे करने में लेट करा था, जिसकी वजह से हमको 300 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज फ्लिपकार्ट को पे करना पड़ा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, अब ये करने के बाद अगर हम जैसे ही ये कन्फर्म पे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, समझे। जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, बस एक बार बस कंटिन्यू पे हम अगर क्लिक कर दिए, देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो EMI बता दिया आपको, ये 10,000 से प्लस था इसीलिए EMI का ऑप्शन दे रहा था। और अगर हम डायरेक्ट अगर 7-8 हज़ार का कोई प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो वो डायरेक्ट पे लेटर से आप उसको, वो भी एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कोई रेडमी का फ़ोन सर्च कर लेते हैं। ठीक है, 7,000 के अंदर में, जिससे कि 10,000 के अंदर में है रेडमी 12 है। ठीक है, इसे इसको बाय में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे 9,000 का फ़ोन है। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेते क्लिक। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं पे लेटर का ऑप्शन करके। अब देखिए पे लेटर का ऑप्शन, ठीक है, नीचे वाला सेलेक्ट करते हैं। ये बता रहा है कि अभी फ़ोन आपको ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन 5 नवंबर तक आपको पे करना होगा। जैसा कि आपको डेट आज है 13 अक्टूबर, ठीक है, 13 अक्टूबर आज है, और जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हमको फ़ोन डिलीवर कर देगा बिना पैसा का। और अगला महीना आपको टोटल पैसा 9,028 रुपये पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर उसका पेनल्टी चार्ज जोड़ेगा। अभी आपके ऊपर है, अगर आपका औकात है पैसा देने का अगला महीना तो ही ऑर्डर करें, अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे कि फ्लिपकार्ट से पैसा ले लेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। भाग तो जाएंगे आप, लेकिन वो आपका जो रजिस्टर्ड आधार नंबर जो है उस आपका घर आ जाएगा फ्लिपकार्ट वाला, और आपको परेशान करेगा, हो सकता है आपके नाम में केस भी हो जाएगा। तो पैसा अगर होगा तभी ऑर्डर करें, अदरवाइज ऑर्डर ना करें। तो इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट बताया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप EMI से कैसे कोई सामान खरीद सकते हैं, और एक खरीद करके बाद में किस तरह से पैसा दे सकते हैं, और मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा फंक्शन है। एक चीज़ हमने वीडियो बनाना भूल गया, जब हम फ्लिपकार्ट को एक्टिवेट कर रहा था पे लेटर को, उस समय अपना स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया उस समय, जिसके वजह से मैं उसके ऊपर एक वीडियो नहीं बना पाया। तो अगर उसके ऊपर भी अलग से अगर वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।